हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ही मेरी तबीयत ठीक हुई है थोड़ी सी। सुबह तक बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2-3 दिन से ख़राब है, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे हैं मेरे। आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरा मन भी आप लोगों के कमेंट पढ़ के ही लगता है, और जितने लाइक और कमेंट आते हैं उससे मेरी खुशी बढ़ती है और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो आपके जो सबके कमेंट आए थे पिछली से पिछली वीडियो में आए थे कि आप सभी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं वीडियो छोटी सी बना रही हूँ कि सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो क्या हुआ कि शिप्रा और द्वेता मेरा मेरे साथ ही रहता है, जैसे कि आपको मालूम है, दोनों रहते हैं मेरे पास ही। तो थोड़ी सी उनको दिक्कत आई जब मैं एकदम बेड में पड़ गई, तो उनको परेशानी आती है क्योंकि सब काम मेरे ही हाथ में रहते हैं, उनके छोटे मोटे काम। तो अथक के स्कूल में क्या है कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी होती है, तो जो कैरी बैग होते हैं ना वो उसके टिफ़िन में लगा के हम देते हैं कि उसकी कोई सब्जी वब्जी ढुल ना जाए। तो कैरी बैग शिप्रा को नहीं मिल रहे थे, तो काफ़ी परेशान हो रही थी। हालांकि मैं सब उनके ध्यान से ही रखती हूँ, लेकिन जो मेरे रखी हुई चीज़ होती है वो उन्हें नहीं मिल पाती है। तो आज मैंने सोचा कि इन्हीं चीज़ों को मैं सेट कर देती हूँ कि जब मैं बीमार हूँ या कोई नहीं हूँ तो उनको तकलीफ़ नहीं आए। तो उसके लिए मैं कैरी बैग और जो पॉलीथीन है उसको अलग अलग कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत इकट्ठे करके रखती हूँ उनको और सोचती हूँ कि करूँगी करूँगी, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ, बस रोज़ सोचती हूँ। तो आज का काम कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब कल दिक्कत आती है तो बड़ी दिक्कत होती है किसी काम की, तो इसीलिए जो मैंने कल कल करके काम छोड़ रखे हैं उनको करूँगी, क्योंकि अब कुछ तबीयत भी ख़राब रहती है और कुछ उम्र भी नहीं है जी ऐसी कुछ काम करने की। लेकिन जो काम करती हूँ आपसे शेयर कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ कि कितनी पॉलीथीन और कैरी बैग जो हैं वो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, कि कभी इनको अलग करके रखूँगी ज़रूरत के टाइम। क्योंकि मैं जब हाथ से अपने हाथ से काम करती हूँ तो मैं तो निकाल लेती हूँ, कैरी बैग अलग कर देती हूँ, पॉलीथीन अलग करके निकाल लेती हूँ, लेकिन बच्चों को परेशानी आई आज। तो अभी गोली लेके उठी और फिर मैंने सोचा वीडियो भी बना देती हूँ और आपसे शेयर भी कर लेती हूँ, दिखाती हूँ कि कितनी सारी पॉलीथीन और कैरी बैग मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये देखिए, पूरा मतलब एक बड़ी पॉलीथीन में मैंने डाल रखे हैं, कैरी बैग भी हैं तो इसमें पॉलीथीन भी हैं। तो इन सबको अलग करके आज मैं सेट करके रखूँगी। इनको हम यदि किसी डब्बे में या कोई भी ऐसी चीज़ में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती, ये भी काम आते हैं। हालांकि पॉलीथीन बंद हैं लेकिन फिर भी ये काम आती हैं हमारे। बच्चे टिफिन विफिन ले जाते हैं तो उसमें लगाने को ज़रूरत ही पड़ती है, हालांकि पॉलीथीन बंद है लेकिन फिर भी हम लगा ही देते हैं। तो कैरी बैग निकालूंगी इसमें से और उनको सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखूंगी इनको। तो इससे क्या है कि हमें मिल जाएंगे, टाइम पे मिल जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी समस्या आती होगी, हर गृहिणी के साथ ऐसी समस्या आती हैं जो मेरे साथ आती हैं। तो देखिए कैसे रखती हूँ उनको मैं। जैसे ये कैरी बैग है तो इनमें तो अलाउड है, इसमें कोई भी टिफिन डाल के अगर बच्चा ले आता है तो ऐसे तो अलाउड है अथक के स्कूल में। तो ये चीज सुबह नहीं मिल रही थी शिप्रा को, इन चीजों को मैं रख दूंगी संभाल के, काफी पड़े हैं। और भी मेरे पास थैले भरे हुए इनमें, तो इसमें तो क्या है आटे की थैली वगैरह है, जो आटा आता है ना हमारा थैलियाँ, उसको मैंने इसलिए रख रखा है कि हम बैग वगैरह कोई बना सकते हैं, आटे की थैली डाल के बैग बना सकते हैं, या हम जब खाना वाना पलंग में खाते हैं तो आटे की थैली का कोई
अच्छा सा सुंदर सा बिछावन बना लें तो वो भी बन सकता है। इससे क्या है, नीचे का जो बेडशीट है वो खराब नहीं होगा, तो इस वजह से रख रखें। लेकिन हाँ, बनाने में आलस आ जाता है क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है कि कोई काम होता ही नहीं है ठंड में। तो ये कैरी बैग अलग हो जाएंगे ना, मैंने एक अलग ही रख रखे थे लेकिन उसे सुबह मिले ही नहीं, तो सारे ही कैरी बैग हैं ये जो मैंने रख रखे हैं। डेली ही आ जाते हैं, कभी मिठाई में आ जाते हैं, कभी किसी चीज में आ जाते हैं। तो पॉलीथीन अलग कर दूंगी, पॉलीथीन की जरूरत भी पड़ती है हमें। मैं तो ज्यादातर इसे जो हमारा किचन का डस्टबिन है उसमें बिछा के रखती हूँ, और जो कचरे का डस्टबिन है उसमें भी बिछा कर रखती हूँ कि पूरा कचरा उठा के सीधा डाल देते हैं जब कचरे की गाड़ी आती है, तो उसमें बिछाने में काम आती है बड़ी पॉलीथीन, और छोटी पॉलीथीन मेरे किचन के जो डस्टबिन है उसमें काम आ जाती है। और ये जो कैरी बैग है वो सारे टिफिन में लगाने काम आ जाते हैं, क्योंकि रोज ही टिफिन से खराब हो जाती है ये, तो फेंकनी पड़ती है इनको। और हम तो ज्यादातर इनको या तो जला देते हैं या फिर कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं खराब पॉलीथीन को। तो ये सारे ही ये कैरी बैग है, अभी तक जो मुझे मिले वो कैरी बैग है, और अब पॉलीथीन लेकर आती हूँ मैं। तो ये जूते का डब्बा मेरे पास वेस्ट पड़ा है, और ये है मिठाई का डब्बा, फीनी का डब्बा, इसमें मैं पॉलीथीन डाल दूंगी क्योंकि पॉलीथीन कम है, और कैरी बैग इसमें जो है सेट करके रख दूंगी, तय कर दूंगी सबकी, ये इतने सारे पड़े हैं इनको तय कर देती हूँ। तो इस जूते के डब्बे में सारी रखती हैं मैंने, ये देखिए सबों में मैंने रबड़ बैंड लगा दिए, दिख रहे होंगे आपको रबड़ बैंड, और ये सेट हो गई हैं, और अब ये मिल जाएंगी। इसको ढक्के में रख दूंगी, जहाँ पर भी मैं इनको रखती हूँ वहाँ पे रख दूंगी। चाहे तो आप इस डब्बे को भी खूबसूरत बना सकती हैं, कोई भी अच्छा सा कपड़ा लगा के या वॉलपेपर लगा के इसको भी सुंदर बना के रखते हैं, तो ये भी आपके सुंदर भी लगेगा और आपको चीज़ आराम से मिल जाएगी। इसी तरह से अब मैं पॉलीथीन भी रख दूंगी सारी तय करके, और ये टाइमली मुझे मिल जाएंगी, सबको किसी को भी मिल जाएंगी। तो हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए जिससे कि आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाए। तो किसी भी काम को कल पर ना छोड़ें, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई काम है, कोई भी काम है तो आज ही कर लें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, और कल आता है तो दुखदाई आता है, हमें दुख देकर जाता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें नहीं मिलती है।
तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? मैंने जो पॉलीथीन और कैरी बैग को ऑर्गेनाइज किया, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, एक ही तरह की वीडियो नहीं बनाती हूँ, हर तरह की वीडियो मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर, कुकिंग की, ऑर्गेनाइज़र की, सब तरह की आपको वीडियो मिलेंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।